हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो मैं आपसे दिल से सॉरी कहना चाहती हूँ, क्योंकि लास्ट 18 डेज से मैं आपसे बिल्कुल कनेक्टेड नहीं रह पाई। और काफ़ी सारे लोगों को तो पता भी होगा कि मैं क्यों कनेक्टेड नहीं थी, बिकॉज़ मेरी MSOP की ट्रेनिंग चालू थी। तो दैट्स वाई मेरा पूरा टाइम उस ट्रेनिंग में जाता था, और उसका ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस अमेजिंग था। मतलब एक हर एक CS स्टूडेंट का जो ड्रीम होता है MSOP ट्रेनिंग, क्योंकि उस ट्रेनिंग के बाद वी गॉट द मेंबरशिप, राइट। तो वो ट्रेनिंग का जो एक्सपीरियंस था बहुत ही अच्छा था, और उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी आफ्टर योर एग्ज़ाम्स। तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि मेरा ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा। और मुझे ये भी बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उस MSOP ट्रेनिंग में मुझे बेस्ट पार्टिसिपेंट का अवार्ड भी मिला है। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव, थैंक यू सो मच। और आज का जो वीडियो है मेरे लिए बहुत ही मैंने बहुत ही खास आपके लिए बनाया है। रीज़न ये है क्योंकि मुझे आप सभी को रियलिटी चेक देना था। आज भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे मैसेज करते हैं कि मैम वी आर इन लाइक निगेटिव जोन, बहुत हम लोग निगेटिव जोन में हैं, या फिर हम लोग कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं, ऑफिस टाइमिंग हमारा ऐसा होता है कि हम लोग टाइम नहीं दे पाते हैं पढ़ाई को। 6 आवर्स हम लोग कर रहे हैं पढ़ाई, लेकिन हमारा नहीं हो पा रहा है, राइट। तो ये सारे कुछ रीजंस की वजह से मैंने सोचा एक वीडियो बना के आप सभी को थोड़ा सा मोटिवेट कर दूं, ताकि आपका जो लिंक टूट रहा है बार बार पढ़ाई से वो ना टूटे। सो मेरा यही पर्पस था कि इस वीडियो से आपको एक रियलिटी चेक दूँ, ठीक है। अब यहाँ पर रियलिटी चेक की अगर मैं बात करती हूँ, तो इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि स्टूडेंट, आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना पड़ेगा। अगर आप अपनी प्रायोरिटीज़ को अब सेट नहीं करोगे, तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बनेगा। क्योंकि देखो, आपके पास अभी लास्ट 30 डेज़ है, मैं अप्रॉक्सीमेटली बात कर रही हूँ, मैंने कोई यहाँ पे काउंट नहीं किया है, अप्रॉक्सीमेटली मैं 30 डेज़ है आपके पास, ऐसा मान के चलती हूँ, ठीक है। 30 डेज़ भी लाइक कम ही है, मैं तो 20 डेज़ ही पकड़ती हूँ, क्योंकि 10 डेज़ जो अगस्त के होंगे वो हमारे ऐसे ही जाने वाले हैं रिवीजन एंड ऑल में, तो वो मैं कंसीडर ही नहीं करती हूँ। 20 डेज़ में आप कर सकते हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मुझे पूछा कि 20 डेज़ में मैम हो जाएगा, क्यों नहीं हो सकता है, लोग 15 डेज़ में पढ़ के CS को निकाल लेते हैं, ऐसे बहुत सारे। और आपका लाइक ओल्ड सिलेबस के जो स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट टाइम तो पेपर दे ही नहीं रहे हैं, तो उन्हें एक आइडिया तो है ही है कि एग्ज़ाम में एग्जैक्टली पूछा क्या जाता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो अब आपका काम क्या होगा, आपको उस अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिससे आपका ये ग्रुप निकल जाए। गाइस, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑप्ट आउट के लिए भी मुझे पूछ रहे हैं, तो मैं उन्हें यही एडवाइस दूंगी, डोंट गो फॉर ऑप्ट आउट। कैसी भी प्रिपरेशन हो, एग्ज़ाम्स दो, क्योंकि क्या पता आपने जो पढ़ा और वही एग्ज़ाम में आया, तो आप बाद में रिग्रेट फील ना करो कि अरे यार ये सब इतना इजी पेपर था। लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था ITSA के लेके, बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे मन में थॉट्स थे कि अरे पेपर कैसा आएगा, क्या आएगा, बट ITSA का पेपर अगर आप लास्ट टाइम का देखोगे तो बहुत इजी आया था, FM का पेपर भी बहुत इजी आया था। तो ये जो आपकी छोटी छोटी गलतियाँ हैं ना, वो आप रिपीट मत करो। आपकी उन गलतियों की वजह से क्या हो रहा है, आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, पहले तो आप अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करो, और आपकी जो प्लानिंग होनी चाहिए वो चैप्टर वाइज होनी चाहिए। सब्जेक्ट आप एक उठाओ, उसके हिसाब से चैप्टर वाइज प्लानिंग करो कि कौन सी चैप्टर पहला आएगा, मतलब पहला मुझे कंप्लीट करना है, कौन सा बाद में करना है। और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा एक है कि हम लोग पढ़ लेंगे तो लिख लेंगे, पढ़ना अलग होता है, किसी को समझाना अलग होता है, और लिखना वो अलग होता है। यहाँ पे आप किसी कोई मूवी देखने जाते हो, एज इट इज़ स्टोरी आप नहीं बोलते हो, आप अपनी लैंग्वेज में उसे ट्रांसलेट करके या फिर मतलब अपने हिसाब से सीक्वेंस में बोलते हो। तो पेपर में भी वैसे ही सीन होता है। अब पिक्चर तो ये पिक्टोरियल है, तो काफ़ी चीज़ें याद होती है, लेकिन थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल जब हम लोग करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो क्लास में समझ में आती है, ठीक है, पढ़ते हैं तब समझ में आती है, पर लिखना उसे नहीं आता है। मैं टेक्निकल सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ, जैसे ITSA कंपनी लॉ का पेपर, उसमें हमें लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन रीड करना, उसे समझना, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये भी एक बड़ा चैलेंज होता है। और आप एक क्वेश्चन को कितना मिनट दे रहे हो फॉर द रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर, ठीक है, तो ये भी आपको नोट डाउन अभी ही करना पड़ेगा। एट द लास्ट मोमेंट पे कुछ नहीं होता है, क्योंकि प्लानिंग करने से ही एग्जीक्यूशन अच्छा होता है। अगर मान लो आपने प्लानिंग करी पर अगर उसे एग्जीक्यूट नहीं किया, तो फिर प्लानिंग आपकी फ्लॉप है,
तो फिर प्लानिंग ऐसे आप फिर प्लानिंग करो ही मत, क्योंकि अगर आप उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो तो आप अपना प्लानिंग करने में यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, यूज़ योर अटेम्प्ट वाइजली। आपके लिए भले ही दिसंबर एक और आपको अटेम्प्ट मिला है, पर आप ये सोचो कि मेरे लिए ये लास्ट अटेम्प्ट है, क्योंकि ये अटेम्प्ट होने के बाद आपकी सारी ट्रेनिंग्स कंप्लीट हो जाएगी और नेक्स्ट ईयर आप एज अ मेंबर ऑफ द ICSI अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो सभी के सामने। तो जो लोग अपने आप को एज अ CS देखना चाहते हैं, एज अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट देखना चाहते हैं, वो अभी से अच्छे से तैयारी करो और इस एग्ज़ाम को एनी हाउ क्रैक करो। और मैं आपको हेल्प करती ही हूँ, आपके मैसेजेस में आते हैं तो मोस्टली मैं रिप्लाई भी करती हूँ। इन केस में से छूट जाता है, मेरा टाइमिंग शेड्यूल थोड़ा अभी काफ़ी बिजी चल रहा है तो मैं नहीं कर पाती हूँ, बट एनी हाउ मैं हेल्प करती हूँ। आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगी। और मैं यहाँ पे कोई मेरा ये नहीं है, मेरा पर्पस यही है कि बस आप CS बन जाओ, हमारी यहाँ पे मेंबर्स बढ़ जाए बस इंस्टीट्यूट का। यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट से आप कैसे भी तरह से जुड़ जाओ एज ए मेंबर। स्टूडेंट्स वाली लाइफ बहुत हुई, अब आपको मेंबर बनना है, अपने आप को ग्रो करना है, अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है और उन सभी लोगों पे एक आपको जवाब देना है, उन सभी लोगों को जवाब देना है जो आपको कोई ना कोई एंगल से वीक समझते हैं या कुछ भी आपके आप जो टर्म्स में उसे बोलना चाहो उस आप बोल के उस चीज़ को ले लो और इस CS को निकाल लो। मैं बहुत ग्राउंड लेवल की बात कर रही हूँ, आई डोंट नो आप कितने लोग मेरे साथ एग्री हो कितने नहीं हो, बट जो मेरे दिल में है मैं वो आपसे डायरेक्ट कह पा रही हूँ। मुझे ऐसा कुछ, मैंने कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं की है कि अरे ये ऐसा 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 है, जस्ट मैं आपको यही चाहती हूँ कि एनी हाउ मैं आपको मोटिवेट करूँ, एनी हाउ आप उन लोगों को जवाब दो जो आप पे बार बार क्वेश्चन उठाते हैं, जो आपसे बार बार कहते हैं क्या हुआ CS का रिजल्ट कुछ, तो उन लोगों को फ़ोन करके बोलो यस नाउ आई एम CS XYZ। ये आपके लिए सबसे बड़ी जीत होगी, आपके पेरेंट्स का नाम रोशन होगा। अब जो भी यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को अपने क्लोज वंस को खो दिया है, आप उन्हें इस CS डिग्री को पास करके उन्हें ट्रिब्यूट दे सकते हो, क्योंकि उन्हें तो हम ला नहीं सकते हैं लेकिन उनके लिए हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिन्हें जिनकी वजह से उनको खुशी मिले। तो गाइस प्लीज़ 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 आप अभी भी टाइम है, पढ़ाई कर लो, ऑप्ट आउट वाली जो दिमाग में आपका भूत चढ़ा है वो उतार लो, नेगेटिव थॉट्स ऐसे लोगों से दूर ही रहो। मैं तो पहले ही दिन से आपको कह रही हूँ नेगेटिव लोगों से दूर रहो, 2 महीने की दूरी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अवॉइड दैट पर्सन, कॉल मत उठाओ, मैसेज रिप्लाई मत दो या फिर उसको इग्नोर करो, बिकॉज इग्नोरेंस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस सिनेरियो। इग्नोर करोगे तो ही सक्सेस पा पाओगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में आती है जब हमें सक्सेसफुल बनना होता है, अब ये आपके हाथ में है कि उस प्रॉब्लम्स को कैसे डील किया। क्योंकि मैंने एक पहले भी कहा था कि सिचुएशन सबकी एक जैसी होती है पर रिएक्शन सबके अलग होते हैं, तो यू हैव टू रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। आपको मीनिंग देना है नहीं देना है दैट्स योर कॉल, नॉट अदर्स कॉल। सो लास्ट एट लास्ट आपको यही कहूँगी, प्लीज़ 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 डू योर स्टडीज़, फोकस ऑन योर स्टडीज़। लास्ट टाइम आप पढ़ने वाले हो ऐसा सोच के पढ़ो, दिस इज़ द लास्ट अटेम्प्ट ऐसा सोचो। ये मत सोचो कि ये नहीं हुआ तो दिसंबर निकाल लेंगे, अरे आप खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं हो, इंस्टीट्यूट से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। ठीक है, तो पहले अपने आप में कॉन्फिडेंस जनरेट करो कि यस यू विल डू इट, राइट, यू विल डू इट, यू विल डू इट। मॉर्निंग में यही बोला यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। ठीक है, तो इसी गुड नोट के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, जो भी ये निगेटिव जोन में है आप उनकी हेल्प कर सकते हो ये वीडियो शेयर करके, राइट। सो प्लीज़ गाइज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड डू कॉमेंट, मुझे बताइए आपको ये कैसा लगा, आपको कितना पॉजिटिव फील हुआ प्लीज़। एंड दोज हु आर न्यू वन टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू। एंड हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आई वॉन्ट टू से दैट इन कमिंग डेज आई एम कमिंग विद अ न्यू मोर वीडियोज रिलेटेड टू योर CS स्टडीज, सो स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब कर लेना चैनल, ताकि ऐसा ना हो कि मैं आपको मतलब आपको नोटिफिकेशन के थ्रू यहाँ पे वीडियोस ना मिले, राइट। क्योंकि बहुत सारा ऐसा हो रहा है कि स्टूडेंट सब्सक्राइब कर रहे हैं बट बेल आइकॉन प्रेस नहीं कर रहे, उनकी वजह से उनको वीडियोस नहीं मिल रहे।
तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो गाइस, थैंक यू एंड स्टे स्टे हेल्दी, स्टे फिट और स्टे फोकस्ड, सबसे मेन तो, एंड स्टे मोटिवेटेड एंड अवॉइड द निगेटिविटी अराउंड योर सेल्फ, राइट? सो गाइस, टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।